प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। आज 10 मार्च हो चुका है और अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो हटने वाला है और एक इसके बाद यानी कि 14-15 तारीख 13-15 के बीच में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है जो इससे थोड़ा सा मजबूत होगा। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे मार्च में हम आगे बढ़ेंगे तो इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तो जारी रहेंगी लेकिन स्नोफॉल जो है वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें ताकत कम होगी और जो स्नोफॉल होगा वो ऊंची पहाड़ियों पर ज्यादा होगा और जो निचले इलाके हैं जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया और कुल्लू मनाली, इन इलाकों में बहुत ज्यादा स्नोफॉल की संभावना नहीं नजर आ रही है लेकिन अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। जैसे ही इस तरह का कोई अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि अगर कोई जाना चाहेगा और वहां से मतलब स्नोफॉल वगैरह देखना चाहेगा तो जा सकता है, उससे पहले ही 2-4 दिन पहले हम आपको अपडेट दे देंगे। और अब क्या हो रहा है कि खास करके अगर बात करें हम सेंट्रल इंडिया की तो सेंट्रल इंडिया से ही शुरुआत करते हैं, वेदर एक्टिविटी भी वही है। और गुजरात से अगर हम शुरुआत करें तो गुजरात के कई इलाकों में यानी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, 37 से 38 डिग्री तक तापमान पहुंच चुके हैं और 35 से ऊपर तो ज्यादातर इलाकों में तापमान देखे जा सकते हैं। अहमदाबाद में 37 से ऊपर पहुंच गया है, बड़ोदरा, गांधीनगर, महेशाना, बनसकांता, सबरकांता, इन सारे इधार ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं और गर्मी अपने चरम पर है। और इस बार बारिश सर्दियों में बहुत कम हुई है, मानसून में भी बारिश थोड़ी सी कम हुई थी खासकर सौराष्ट्र कच्छ में, तो पानी की दिक्कत भी अब आ रही है। तो मानसून आपको पता है प्री मानसून गतिविधियां तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती गुजरात में और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मानसून जो है वो जून के महीने में भी मिड जून तक ही आएगा, तब तक इंतजार करना पड़ेगा, गर्मी सहनी पड़ेगी और पानी की किल्लत का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो और गुजरात में क्या होता है कि मार्च के महीने में ही 40 डिग्री का आंकड़ा ये तापमान छू जाते हैं मिड मार्च तक, यानी होली के आसपास हमें उम्मीद है कि 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएंगे, यानी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ मराठवाड़ा में भी गर्मी काफी ज्यादा अब बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब जो है कि असहनीय गर्मी जो धीरे धीरे शुरू हो जाती है वो अब शुरू होने वाली है। तो लेकिन राहत की बात एक ये है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के ऊपर और एक तरफ रेखा आ रही है उसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, बौछारें गिर रही हैं और बादल छाए हुए हैं, बिजली की गरज चमक हो रही है। तो आज ये आखिरी दिन है, इसके बाद यानी कि कल से मौसम साफ हो जाएगा और तापमान एक बार फिर से बढ़ने लग जाएंगे, यहाँ थोड़े बहुत तापमान गिरे थे तो अब वेदर एक्टिविटी आज की है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां लगभग पूरे इलाके से समाप्त हो जाएंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जो पूरा मध्य भारत है ये गर्म होने लग जाएगा और बारिश धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगला जो स्पेल आएगा वो जब भी आएगा हम आपको बताऊंगा। और अब ये जो मानसून, ये प्री मानसून की एक्टिविटी होगी यानी कि जो प्री मानसून की गतिविधियां होती हैं गरज चमक के साथ बारिश होती है वही ज्यादा देखने को मिलेगी और साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पश्चिम विक्षोभ के बाद एक आते रहेंगे लेकिन इनकी इंटेंसिटी कमजोर हो जाएगी। जैसे हमने बताया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके अब शुष्क और गर्म रहेंगे, तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे अगले 3 दिनों के बाद यानी 13 या 14 तारीख से दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान मिड 30s तक पहुंच लग जाएंगे, 33 डिग्री या 34 डिग्री तक तापमान आ जाएगा, यानी होली से पहले काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। और लेकिन सुबह और रात के तापमान अभी भी थोड़े से ठंडे रहेंगे, यानी कि सुबह और शाम के समय, रात के समय हल्की ठंडी का एहसास होगा और दिन काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, यानी कि दिन और रात के तापमान में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होने वाला है। पूर्वी भारत पूरी तरह शुष्क है, यानी कि अब क्योंकि वैसे भी ये सीजन में कोई खास वेदर एक्टिविटी होती नहीं जब तक कोई कन्फ्लुएंस जोन न बने या कोई लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम भारत से यहां तक आए, तो इस तरह का कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, झांसी, औरई और लखनऊ, कानपुर, एटा और गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे इलाके पूरे मतलब शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे। गया, नवादा, भागलपुर, पूर्णिया, पटना, ये सारे इलाके भी बिहार में शुष्क रहेंगे और झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्य भी अगले कई दिनों तक शुष्क रहने की संभावना है, यानी कि ये पूरा इलाका अभी शुष्क रहेगा, यानी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम गर्म रहेगा। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, तो दक्षिण भारत में ये ट्रफ रेखा जो बनी हुई है अब धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और यहाँ से भी वेदर एक्टिविटी अब समाप्त हो जाएंगी।
यानी कि आप कह सकते हो कि आप कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके और आंध्र प्रदेश ये पूरी तरह शुष्क हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और गर्मी वैसे भी मिड 30s तक यहाँ तापमान पहुंच चुके हैं। अब कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज आखिरी बारिश है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस महीने की आखिरी बारिश है, लेकिन अभी जो स्पेल चल रहा था वो आखिरी है, उसके बाद जो अगला स्पेल आएगा उसके बारे में बताएंगे। अभी मौसम इस इलाके में साफ रहेगा। तमिलनाडु और केरल में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है और लक्षद्वीप भी शुष्क रहेगा, यानी कि ये पूरा इलाका अब गर्म होने वाला है और आधे से ज्यादा भारत यानी कि अब शुष्क रहेगा और मौसम धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा और गर्मी बढ़ने लग जाएगी। प्री मानसून की जो एक्टिविटीज है यानी धूल भरी आंधी और जो काल वैसाखी वगैरह है वो मार्च के एंड और अप्रैल में शुरू होती है और शुरू में इंटेंसिटी कम होती है, जैसे जैसे तापमान 40 से ऊपर 40 डिग्री से ऊपर पहुंचते हैं तब जाकर के इसका जो है प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।